So good afternoon, students. So today's chapter is your working capital management. Okay. So before starting this topic, we should be familiar with the meaning of the term working capital. After that, the working capital management. ठीक है? तो जो working capital होती है, generally written as WC, it is used in two senses. One is known as the gross working capital. Other is known as the net working capital. So whenever we use this term, तो we should be clear कि आप इसे किस रिस्पेक्ट में यूज कर रहे हैं, इन द सेंस ऑफ ग्रॉस और इन द सेंस ऑफ नेट. सो जब हम ये कहते हैं ना कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, इट सिंपली मीन्स करंट एसेट्स. एंड वेन वी से दिस इज योर नेट वर्किंग कैपिटल, देन इट मीन्स योर करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. राइट, करंट एसेट्स क्या हैं? राइट, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच विल बी यूज्ड बाय द बिजनेस फर्म विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल within the operating cycle bracket में लिखिए generally one year. example, debtors are your claims कि आपने किसी को goods sale की थी कभी, ठीक है, on credit, तो आपने उनसे पैसे लेने हैं, तो उनको आप करंट एसेट्स की कैटेगरी में डालते हैं. योर स्टॉक, और यू कैन कॉल इट इन्वेंट्री. बिल्स रिसीवेबल्स, इनको शॉर्ट में हम BR कहते हैं. मार्केटेबल सिक्योरिटीज like short term investments, ये सब हमारी current assets हैं. और ये company के अंदर या firm के अंदर में बहुत जल्दी ही क्या कर ली जाती हैं, exhaust हो जाती हैं, use कर ली जाती हैं. Similarly, current liabilities are your liabilities or your payable, जो आपको within अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरली वन ईयर, उसमें आपको पे करने ही करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई ओवरड्राफ्ट रेज किया हुआ है किसी बैंक से, तो ओवरड्राफ्ट सिंपली मीन्स कि आपके बैंक में जितना पैसा था, आपने उससे ज़्यादा पैसा विड्रॉ किया हुआ है. तो कोई बैंक है ना, आपको ओवरड्राफ्ट ऐसे नहीं देते 15 ईयर्स का ओवरड्राफ्ट और 20 ईयर्स का ओवरड्राफ्ट, बड़ा शॉर्ट टर्म होता है. तो ये आपकी करंट लाइबिलिटी बन जाएगी. सो कॉरस्पॉन्डिंग डेटर्स, वी हैव द टर्म ऑफ करंट लाइबिलिटीज. सो इसके अंदर में क्रेडिटर्स, ये हमारे करंट लाइबिलिटीज में यूज होते हैं. शॉर्ट टर्म लोन्स हैं हमारे पास में, ये यूज होते हैं हमारी करंट लाइबिलिटीज के अंदर. बिल्स पेबल हैं हमारे पास में, ये यूज होते हैं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, लाइक कि आपको किसी बैंक का इंटरेस्ट पे करना था बट स्टिल यू हैव नॉट पेड, तो उसको भी आप क्या बोलेंगे, दिस इज योर करंट लाइबिलिटी. सो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल सिंपली मीन्स इन सब का टोटल, एंड द नेट वर्किंग कैपिटल सिंपली मीन्स इन सब के टोटल में से अगर हम करंट लाइबिलिटीज के पोर्शन को हटा दें, तो हमें क्या पता चलेगा कि हमारी नेट वर्किंग कैपिटल कितनी है. राइट, लेकिन ये जो इक्वेशन है, ये खाली एक इक्वेशन नहीं है, इससे हमें कुछ सिग्निफिकेंस भी मिलता है. फर्स्ट, फॉर एग्जांपल, कि मेरी कंपनी की करंट एसेट्स हैं सपोज 1 लाख रुपीस, क्लियर, और मेरी कंपनी की करंट लाइबिलिटीज हैं सपोज 40,000 रुपीस. सो मेरी नेट वर्किंग कैपिटल कितनी हो गई, 60,000 रुपीस.
तो ये जो 60,000 रुपीज़ हैं, इसके अपने कुछ मायने हैं, अपना कुछ इसका मतलब है। कैसे? आप ये देखिए, आपकी करंट असेट्स हैं 1 लाख, ये फ्री में तो आई नहीं थी, राइट? तो आपकी कंपनी के ऊपर जो कर्जा हो गया, जो ऑब्लिगेशन हो गया 40,000 का, जो कि शॉर्ट टर्म है इन नेचर, तो इसका ना जो आपका 60,000 रुपीज़ का जो कर्जा है वो लॉन्ग टर्म वाला है। इसका मतलब कि नेटवर्किंग कैपिटल से आपको ये पता चलता है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ योर करंट असेट्स आर फाइनेंस्ड बाय योर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। दैट मीन्स योर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिस से आपने अपनी करंट असेट्स का कितना पोर्शन फाइनेंस किया हुआ है। क्लियर हुई यहाँ तक बात? फिर से सुन रहा हूँ। जैसे कि मेरी टोटल करंट असेट्स है 1 लाख रुपीज़, करंट लाइबिलिटीज 40,000 रुपीज़, रिमेनिंग अमाउंट हुआ 60,000 रुपीज़। तो इसके मायने क्या? तो एक तो ये है कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दे दो कि दिस इज़ द एक्सेस और दिस इज़ द डिफरेंस, बट नहीं, इससे ज़्यादा है ये चीज़। आपने 1 लाख रुपीज़ की टोटल अरेंजमेंट करनी है करंट असेट्स के लिए, 40,000 आपने अरेंज किए थ्रू योर करंट लाइबिलिटीज़, सो रिमेनिंग जो 60,000 है वो आपने कैसे अरेंज किए हैं? यूजिंग योर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिस। तो नेटवर्किंग कैपिटल से ना आपको ये भी पता चलता है कि आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिस की क्या रिक्वायरमेंट है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात अच्छे से? लेकिन जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है उससे आपको ये नेट आइडिया नहीं मिल पाता। हम उसमें ये अज्यूम कर लेते हैं कि ओके, करंट लाइबिलिटीज़ को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर आप उसी कॉन्सेप्ट को इस पर फॉलो करोगे तो यू विल फाइंड कि फिर एक टोटली आपको क्या शो करना शुरू कर देता है कि हो सकता है कि कुछ हिस्सा करंट लाइबिलिटी से फाइनेंस होगा, हो सकता है कुछ हिस्सा लॉन्ग टर्म फाइनेंस से होगा, बट वी आर नॉट श्योर बिकॉज यहाँ पर हमने करंट लाइबिलिटीज़ को क्या नहीं किया हुआ, एडजस्ट नहीं किया हुआ। ये बात समझ में आती है यहाँ तक? अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, इसको समझने के लिए हमें एक टर्म समझनी होगी, वर्किंग कैपिटल साइकिल और द ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, नाउ राइट, ऑपरेटिंग साइकिल और वर्किंग कैपिटल साइकिल। सपोज किसी के पास 10,000 रुपीज़ हैं, तो ये उसके पास कैश इन हैंड हुआ। अब उसने इस कैश इन हैंड से कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया, सो कैश किस में कन्वर्ट हो गया? रॉ मटेरियल में कन्वर्ट हुआ। उस रॉ मटेरियल के ऊपर कुछ प्रोसेस अप्लाई की गई तो आपके पास सेमी फिनिश गुड्स बनकर तैयार हुई। इन्हीं को हम शॉर्ट में वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। फिर उसके बाद आपकी जो सेमी फिनिश गुड्स थी वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुई, और ये जो फिनिश गुड्स थी दे हैव बीन सोल्ड। तो ये जो आपके डेटर्स हैं इनको बेचा गया, एंड यू अलाउड सम क्रेडिट पीरियड, कितने टाइम बाद आप पैसे दे देना। और उसके बाद ये जो डेटर्स थे, डेटर्स ने आपको क्या कर दिया, फिर से कुछ कैश दे दिया। ऑफकोर्स ये इससे ज़्यादा होना चाहिए तभी आप प्रॉफिटेबल होंगे, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी साइकिल को होने में बीच में कुछ टाइम पीरियड होता है, उसी टाइम पीरियड को आप क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल साइकिल या योर ऑपरेटिंग साइकिल। यानी कि कैश से कैश में वापस आने में कितना पीरियड आपका एग्जॉस्ट होगा, उसी को आप वर्किंग कैपिटल साइकिल कहते हैं, राइट? और भी टेक्निकली बोला जाए, कैश को रॉ मेटल तक लाने में, रॉ मेटल को यहाँ तक लाने में, इसको यहाँ तक लाने में, उसको वहाँ तक लाने में, और वापस पेमेंट आने तक बीच में जितना भी टाइम पीरियड है, इसी को आप ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। ये ऑपरेटिंग साइकिल जितनी ज़्यादा लेंथी होगी उतनी ज़्यादा आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से, मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपीज़ तो खर्च कर दिए, एंड सपोज ये वर्किंग कैपिटल साइकिल 18 मंथ्स की है, सो 18 मंथ्स तक आपको अपनी कंपनी में जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी देनी पड़ेगी, आपके जो शॉर्ट टर्म लोन्स आपने लिए हुए होंगे उनकी आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होगी, आप डिनाई नहीं कर सकते। आपको बिजली का खर्चा देना होगा, आपको छोटे मोटे खर्चे पे करने होंगे, तो बिजनेस की रूटीन एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए यू रिक्वायर सम काइंड ऑफ लिक्विडिटी और सम काइंड ऑफ कैश, राइट? तो अगर ये पीरियड जितना ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपके पास कैश से कैश में कन्वर्ज होने का टाइम भी बढ़ जाएगा।
तो अगर आपकी पेमेंट कई टाइम बाद आएगी तो बीच का माहौल, जो बीच की आपकी एक्टिविटीज़ हैं, उसको कैसे अकम्प्लिश करोगे आप? तो आप बैंक से क्या करते हो, फिर फाइनेंस करना शुरू करते हो कि मैं इसकी सैलरी पे करूंगा तो फिर से मैंने लोन उठा लिए हैं, मैं ये खर्चा पे करूंगा तो मैंने फिर से लोन उठा लिए हैं। तो वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करना पड़ता है, और ये साइकिल जितनी छोटी हो जाएगी उतना ही बढ़िया चीज़ है, ठीक है? आपके पास फ्रिक्वेंटली जल्दी जल्दी क्या होगा, आपके पास पैसा आता रहेगा। आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है? तो जनरली होता क्या है, जब आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की क्लासिफिकेशन करते हो तो हम करते हैं जनरली ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्किंग कैपिटल साइकिल पीरियड। जनरली 1 ईयर का माना जाता है, स्पेसिफिकली इन योर अकाउंटेंसी। बताइए यहाँ तो पसंद में आती है। अब इस पूरी साइकिल को मैनेज करना, सो दैट इसकी जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, जितनी कोशिश हो सके उतना इसको छोटा रखिए, उसी को आप क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहते हैं। अनदर आस्पेक्ट इसका ये है कि जो आपकी वर्किंग कैपिटल है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी जो आपकी अमाउंट है, दे शुड बी ऑप्टिमम वन। ऑप्टिमम वन का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि आपकी करंट एसेट्स के अंदर में डेटर्स ही डेटर्स नज़र आ रहे हैं। पता चल रहा है, मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि किसी के पास एक बहुत बड़ा घर है और उस घर की कीमत 1 CR है, क्लियर? और उस घर के अंदर में जो फर्नीचर है वो भी 1 CR का है। तो ये जो फर्नीचर है ना, इट शुड बी इन अ गुड क्वालिटी। लेकिन अगर ये बहुत बैड क्वालिटी में पड़ा हुआ है, टूटा फूटा फर्नीचर है, तो क्या करें हम इस 1 करोड़ का? सिमिलरली अगर आपकी करंट असेट्स में मेजर पोर्शन डेटर्स का ही है, यानी कि आपने अधिकतर लोगों को बस उधार माल बेच रखा है, इसलिए आप बोल रहे हैं कि मेरी करंट असेट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अभी वो पैसा आया थोड़ी है, और अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि वो लोग हमें पैसा देंगे या नहीं देंगे, एक रिस्क रहता है, डिफ़ॉल्ट का रिस्क रहता है। तो इसका मतलब हम इसको मैनेज करना चाहते हैं कि दे शुड बी कैप्ड एट देयर मिनिमम लेवल, बट हम ये जानते हैं कि देयर इज़ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। अगर हम किसी को क्रेडिट पे देंगे नहीं तो हमारी सेल भी नहीं होंगी, तो हमारे को है ना एक तरीके से ट्रेड ऑफ करना पड़ता है अपने डिफ़ॉल्ट रिस्क में, ठीक है, और अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट में। तो इन्हीं को मैनेज करना है। सिमिलरली वी हैव स्टॉक। अभी जो स्टॉक है या जो इन्वेंट्री है, अगर आप इसको अपने कंपनी में भर लेंगे तो आपके पास कॉस्ट आएगी। कॉस्ट ये आएगी कि आपको गोडाउन चाहिए, गोडाउन फ्री में नहीं आएगा, यू विल हैव टू पे रेंट, ठीक है ना, आपको उसका टेम्परेचर मेंटेन करना होगा, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी, इस समय पैसा खर्च होगा। तो अगर आप किसी तरीके से इसको मैनेज कर पाएँ ताकि ये कम से कम हो, तो आप अपने जो खर्चे हैं उनको भी क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। सो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग द अमाउंट्स ऑफ दीज कॉम्पोनेंट्स एट देयर ऑप्टिमम लेवल एज फार एज पॉसिबल। क्लियर हो गया था बात? तो लिखिए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सिंपली मीन्स द मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन सच अ वे, द मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन सच अ वे that the components of the working capital are kept at their optimum levels. For example, excess inventory will increase the holding cost, and if possible, then the firm should reduce the inventory level to its optimum level. So that the total cost
इज मिनिमम, द टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। बताइए यहाँ तक बात समझ में आती है? ये ई ओ क्यू है। अब अगला पॉइंट वही आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। आपकी जो स्टडी मटेरियल है उसमें जो मेजर पोर्शन है वो सिर्फ इन्वेंट्री मैनेजमेंट को लेकर गया हुआ है, ठीक है। अदरवाइज़ वैसे तो कैश मैनेजमेंट भी हो सकता है, ठीक है ना, बिल रिसीवेबल्स का भी मैनेजमेंट हो सकता है। हालांकि थोड़ा बहुत पॉइंट जो है वो उसके आपके डेटर्स के पॉइंट पे भी टच किया गया है। तो हम हाँ जी आई टी जस्ट इन टाइम सिस्टम, तो लिखिएगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बेटा सपोज कीजिए कि एक फॉर्म है, उस फॉर्म में ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और ये परचेज डिपार्टमेंट है, ठीक है। अभी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यहाँ का अपना एक इंजीनियर होगा जो कि क्या कर रहा होगा, प्रोडक्शन की फैसिलिटी को मैनेज कर रहा होगा। और जो परचेज डिपार्टमेंट होगा उसमें कौन होगा, एक परचेज मैनेजर होगा जो कि किसको मैनेज कर रहा होगा, जितने भी परचेजेस करनी है स्टॉक की उन सब चीज़ों के बारे में। तो मुझे बताइए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में स्टॉक की कितनी रिक्वायरमेंट है, ये कौन ज़्यादा बेहतर या अच्छे तरीके से बता पाएगा, परचेज मैनेजर और द प्रोडक्शन मैनेजर? प्रोडक्शन मैनेजर। तो अब क्या होता है, सपोज प्रोडक्शन मैनेजर को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से पता है कि वो कुछ चीज़ों का कंजम्पशन करता है एट कॉन्स्टेंट रेट। फॉर एग्जाम्पल उसको अच्छे से पता है कि मैं 100 kg पर मंथ मटेरियल यूज़ कर लूँगा। तो जब आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट करोगे तो उसमें हम एक टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट टॉपिक इज़ नॉन एज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसकी वन ऑफ द अजम्पशंस में से एक अजम्पशन ये है कि प्रोडक्शन मैनेजर कंप्लीटली नोज कि उसकी जो कंजम्पशन रेट है वो कितनी है, एंड इट मस्ट बी एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। हालांकि रियलिटी ये है कि इतनी एक्यूरेसी के साथ में शायद ही पता हो, बट ठीक है, क्योंकि हमारी पूरी थियोरी इसी अजम्पशन पे बेस्ड होगी तो वी विल हैव टू अडियर इट, ठीक है। यहाँ तक अनदर पॉइंट, अगर कंजम्पशन रेट कॉन्स्टेंट है तो इसको ये भी पता होगा कि इसको फिर टोटल एक ईयर के अंदर, वन ईयर के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको रिक्वायरमेंट के बारे में भी पता है। तो उसको हम बोल रहे हैं सपोज एनुअल कंजम्पशन या एनुअल रिक्वायरमेंट। एंड सपोज दिस अमाउंट इज डिनोटेड बाय ए, कैपिटल ए। ए स्टैंड्स फॉर कि ये एनुअल है, हालांकि ये कुछ अमाउंट ऑफ यूनिट्स हैं, ठीक है, से ए यूनिट्स। नाउ थिंक आपने एक बार ऑर्डर कर दिया, राइट, और इस वाले एक्सिस पे आप टाइम को शो कर रहे हो। आपने कुछ ऑर्डर करके मंगा लिया, अभी वो कितना ऑर्डर किया है हमें नहीं पता, लेकिन ठीक है हमने कुछ ऑर्डर किया है। यहाँ पर ये ज़ीरो है। जब आपकी कंजम्पशन रेट कांस्टेंट है, आपको पता है कि पर मंथ इतनी अमाउंट यूज़ होती रहेगी, तो आपका टोटल लेवल ऑफ मटेरियल डाउन होता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये जो आपकी लाइन है, ये जो डिक्रीजिंग है, वो ये बता रही है कि आपके जो गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ था वो स्टॉक धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है, बिकॉज परचेज डिपार्टमेंट ने इनको जो गोडाउन में मटेरियल खरीद कर दिया था वो मटेरियल अब धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, प्रोडक्शन फैसिलिटी में जा रहा है। तो बताइए इसका लेवल क्या होता चला जाएगा, कम होगा। तो उस लेवल को ही हमने क्या किया है, यहाँ पर डिक्रीज करके दिखाया, राइट, एज्यूमिंग दैट कि जैसे ही ये हुआ हमने फिर से उतना ही अमाउंट फिर से ऑर्डर कर दिया।
और फिर से सारी स्टोरी रिपीट हुई, और फिर से क्या हुआ, कंजम्पशन नीचे गया, और ये फिर से ऐसे ही हुआ, और ये फिर से क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ और यहाँ तक आया, और फिर हम ऐसे गए, और इस तरीके से जब तक भी आपका बिजनेस चलता रहेगा आपका इसी तरीके से चीज़ें मूव ऑन करेंगी। यहाँ तक वासन में आती अच्छे से। एंड नाउ सपोज हमने क्यू के इक्वल क्वांटिटी ऑर्डर की थी। अब अगर ऐसा है तो बताओ, मैं अगर ये जानना चाहूँ कि ऑन एन एवरेज मेरे गोडाउन में कितनी यूनिट्स पड़ी हुई हैं, तो मैंने एक टर्म यूज़ की है ऑन एन एवरेज। तो ऑन एन एवरेज का मतलब ये हुआ दिस नंबर प्लस दिस नंबर डिवाइड बाय हाउ मेनी नंबर्स टू। तो क्यू प्लस ज़ीरो बताइए कितना आएगा, क्यू बाय टू। तो इसका मतलब मिडवे। तो ये जो आपके बीच में मिड पॉइंट आया है, मिड लेवल आया है, इसको हम बोलते हैं एवरेज लेवल। ठीक है। अनदर पॉइंट इज दिस कि अगर आप धीरे 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 अपना आपका कंजम्पशन बढ़ रहा था क्योंकि आपको प्रोडक्शन करना था, तो आपका लेवल कम हो रहा है, तो अगर आप यहाँ पर जाकर ही रॉ मटेरियल का ऑर्डर पास करोगे, यानी कि जब बिल्कुल ही ख़त्म होने को आ जाएगा गोडाउन में, तब प्रोडक्शन मैनेजर बताएगा जाके परचेज मैनेजर को कि भाई फटाफट ऑर्डर करो, नहीं तो फैसिलिटी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी और जो वर्कर्स होंगे खाली बैठे रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा सिर्फ आप तभी कर सकते हो जब आपको ये भरोसा हो, इतना ट्रस्ट हो कि जब हम किसी से कहेंगे कि हमें माल भेज दो और वो इमिडिएटली भेज पाएँ। और ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप जस्ट इन टाइम एनवायरनमेंट में काम करते हो, इंस्टेंटेनियसली चीज़ें होती हों, ठीक है। बट लेकिन ये एक बड़ी आइडियल सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कि हम बाद में कहीं फैसिलिटी बंद ना हो जाए, क्योंकि आने में भी टाइम लगता है, ठीक है, उसकी इंस्पेक्शन में टाइम लगता है, तो बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा टाइम पहले ही बता देते हैं कि भैया आप ऑर्डर कर दीजिए। तो जिस लेवल पर भी आप ऑर्डर करते हो, दैट लेवल इज़ नॉन एज द रीऑर्डर लेवल, ठीक है। हालांकि हम इसके बारे में अभी पढ़ेंगे कि रीऑर्डर लेवल क्या है। सो रीऑर्डर लेवल इज़ नथिंग, रीऑर्डर लेवल यानी कि आपके गोडाउन में जब माल कम होता जा रहा था तो कितने लेवल पर आ जाए, ताकि हम प्रोडक्शन मैनेजर किसके पास जाके, परचेज मैनेजर को बोल सके कि भैया आप ऑर्डर क्या कर दीजिए, कर दीजिए, राइट। लेकिन जब हम ऑर्डर करते हैं तो प्रॉब्लम पता है क्या क्या है, ये देखिए, ये है सप्लायर जिसको गुड्स देनी है, ये है फर्म जिसको मटेरियल परचेज करना है। तो इस फर्म ने पहले सप्लायर से बोला कि कितने में दोगे सारी चीज़ें, तो उसने अपना प्राइस कोट कर दिया। तो सपोज प्राइस इज योर पी रुपीस, कि मैं इतनी यूनिट पे आपको सप्लाई कर दूंगा। एंड सपोज हमने कहा कि अगर हम आपसे एक्स यूनिट्स मांगे, तो बताओ परचेज प्राइस कितना हो जाएगा, परचेज प्राइस कितना होगा। अगर एक यूनिट पी रुपीस की आती है तो एक्स यूनिट्स कितने की आएंगी, पी एक्स की आ जाएंगी। तो इसको बोला जाता है पी एक्स को परचेज कॉस्ट। लेकिन परचेज तो बाद में होगी, पहले आप ये पता करोगे ना कि भाई एक ऑर्डर को करने की कितनी कॉस्ट आती है। तो ऑर्डर को करने की क्या कॉस्ट आती है, जैसे आप उससे कॉन्टैक्ट करोगे, हो सकता है आपको जाना पड़े, हो सकता है आपको ईमेल करना पड़े, तो इंटरनेट की कॉस्ट भले ही चाहे कितनी ही मार्जिनल हो, छोटी हो, लेकिन कॉस्ट इज़ कॉस्ट, ठीक है। तो ऑर्डर करने की जो कॉस्ट होती है उसको हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो एक ही मटेरियल से जुड़ी हुई दो कॉस्ट हमें पता चल गई, एक तो खरीदने में जो पैसा खर्च होगा, एक जो हमारा ऑर्डर करने में जो पैसा खर्च होगा। अब जब आपके पास ये ऑर्डर आ जाएगा तो उसको गोडाउन में रखोगे, जब आप उसको गोडाउन में रखोगे तो उसको बोला जाता है होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट का दूसरा नाम है कैरिंग कॉस्ट, उसको रखने की लागत है। जैसे कि
आपने गोडाउन में रखा, उसका आप एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो वो कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी। आपको कोई वॉचमैन अपॉइंट करना पड़ेगा उसकी देखभाली के लिए, तो वो उसकी कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी, राइट। लेकिन जब आप वो सब पैसा खर्च करोगे, तो मान लीजिए कि आपने 1,00,000 रुपये गोडाउन में लगा दिए, अगर आपका गोडाउन ना होता, आपको ये ना करना पड़ता सब कुछ, तो वो 1,00,000 रुपये आप कहीं पर क्या कर देते, इन्वेस्ट कर देते, वहाँ से आप क्या करते, कुछ इंटरेस्ट को अर्न करते। सो दिस इज़ नॉन एज दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है यहाँ तक बात? इन तीनों कॉस्ट को जोड़कर आपकी बनती है टोटल कॉस्ट। बताइए कौन कौन सी कॉस्ट? परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट, और इनको जोड़कर हम क्या बनाते हैं? टोटल कॉस्ट, राइट। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो टोटल कॉस्ट है ये क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए, अपने मिनिमम लेवल पर आ जाए। तो हमें वो अमाउंट ऑफ यूनिट्स ढूंढनी है, मतलब वो एक्स कितना होना चाहिए ताकि हमारा टीसी क्या हो जाए? कम हो जाए, ठीक है। तो लिखिए, सपोज दैट वी शुड ऑर्डर Q units ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट को लेकर। मुझे टीसी निकालना है बेटा, मेरी टोटल रिक्वायरमेंट 1 ईयर की है ए। एक ऑर्डर में मुझे जो क्वांटिटी मंगानी है वो कितनी मंगानी है? क्यू। तो दिस इज समथिंग लाइक आई रिक्वायर 600 यूनिट्स और मैं एक ऑर्डर में 20 यूनिट्स मंगाता हूँ, तो मुझे कितने ऑर्डर्स करने पड़ेंगे? ठीक, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो अगर मेरी रिक्वायरमेंट टोटल एक ही है, जस्ट लाइक 600, और एक ऑर्डर की क्वांटिटी अगर इतनी है, तो डिवाइड करके आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स पता चल जाएंगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया, टू कैलकुलेट माई ऑर्डरिंग कॉस्ट, मेरी रिक्वायरमेंट थी ए की, एक ऑर्डर की क्वांटिटी आप कितनी मान रहे हो? क्यू मान रहे हो, राइट। तो ये मेरा क्या नंबर आएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। और अगर एक ऑर्डर की कॉस्ट सी रुपीज आती है, वन ऑर्डर की कॉस्ट कितनी आती है? सी रुपीज। तो ये मेरी टोटल कितनी कॉस्ट आ जाएगी? टोटल ऑर्डर की कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक बात? ओके। प्लस एक कौन सी कॉस्ट होती है? परचेज कॉस्ट। तो अगर एक यूनिट को खरीदने का खर्चा या एक्सपेंस पी रुपीज़ है, तो मुझे तो 1 ईयर में टोटल कितने यूनिट्स चाहिए? ए। तो ए यूनिट्स को खरीदने का कितना खर्चा होना चाहिए? ए मल्टीप्लाइड बाय पी। सो दिस इज माय टोटल परचेज कॉस्ट। नाउ माय होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट मतलब वो जो यूनिट्स आपने ऑर्डर करके मंगा ली हैं, अब आप उनको गोडाउन में रख रहे हो, उसको होल्ड करने की कॉस्ट। लेकिन मैंने अभी जो डायग्राम बनाया था उसमें हमने देखा था कि वो तो ऐसे डिक्लाइनिंग फेज में जा रहा था, फिर रिप्लेनिश हो जाता है फिर से, और इस तरीके से आप वो ज़िगज़ैग मूवमेंट देख रहे थे। बीच में एक लेवल निकाला था हमने क्यू डिवाइड बाई टू का। वो क्यू डिवाइड बाई टू क्या बताता है? कि ऑन एन एवरेज आपके गोडाउन में इतनी माल होनी चाहिए या इतनी गुड्स पड़ी होनी चाहिए। तो हम उसी से उसको रिलेट करते हैं। तो अगर मेरी एक एवरेज लेवल ये है, इतने यूनिट्स मेरे पास हैं, और एक यूनिट को होल्ड करने की कॉस्ट अगर मेरे पास बी रुपीज़ की आती हो, या होल्डिंग है तो उसको स्मॉल एच से लिख लेते हैं सपोज, तो बताओ इतने यूनिट्स को होल्ड करने की कॉस्ट कितनी आएगी टोटल मल्टीप्लाई करके? ठीक है, आप में से कोई बता सकता है कि मैथमेटिकली जब किसी चीज़ को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज किया जाता है, तो हम मैथमेटिक्स का कौन सा टॉपिक यूज़ करते हैं? डेरिवेटिव वाला टॉपिक यूज़ करते हैं। सो डेरिवेटिव के अंदर हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, तो डी टी सी डिवाइड बाय, हमें क्योंकि क्वांटिटी पता करनी है तो क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, राइट। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी क्यू नहीं है, तो ये कॉन्स्टेंट है, दैट मीन्स कि ये ज़ीरो बना दिया जाए।
और जहाँ तक बात इसकी है, सो ए और सी आर कॉन्स्टेंट, तो कीप देम एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ वन ओवर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस दिस नंबर, तो एज अ रिजल्ट, तो जब आप वन ओवर क्यू का डेरिवेटिव लोगे तो इट विल बिकम माइनस वन ओवर क्यू स्क्वायर्ड, राइट। इसी तरीके से h इज कॉन्स्टेंट, टू इज कॉन्स्टेंट, तो आप h ओवर टू को साइड निकाल लीजिए, एंड q का डेरिवेटिव q के रिस्पेक्ट में, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में इज वन, तो ये कितना बन जाएगा, वन बन जाएगा, राइट। अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लें तो हम पाएंगे कि हमारी जो टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव है वो अब बस बचा है हमारे पास माइनस ए सी क्यू स्क्वायर प्लस एच ओवर टू, क्लियर। एज पर द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ऑफ व्हाट, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन, ठीक है, चीज़ को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने की जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है वो ये होती है कि आप अपने डेरिवेटिव को किसके इक्वल पुट कर दीजिए, ज़ीरो के इक्वल पुट कर दीजिए। तो बताइए जब आप इस चीज़ को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो क्या होगा, ए सी डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर प्लस एच ओवर टू इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक। हमें क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये जो हमारा क्यू निकलेगा, तो एच ओवर टू ये रहा, उसको आप उधर शिफ्ट कर दीजिए तो वो ये नंबर आएगा। अब आप क्यू स्क्वायर को इधर लाइए, टू को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, एच को नीचे शिफ्ट कीजिए, और इस क्यू स्क्वायर हटाने के लिए सामने वाले का क्या कीजिए, स्क्वायर रूट कीजिए। ये वो ऑप्टिमम क्वांटिटी है जिसको हमें क्या करना चाहिए, ऑर्डर करना चाहिए, और इसी को कहा जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक। और ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है ये आपको ये बताती है कि अगर आप इतनी यूनिट्स का ऑर्डर करेंगे तो जो आपकी परचेज कॉस्ट है, जो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, और जो आपकी होल्डिंग कॉस्ट है, इन सब का जो टोटल था वो क्या हो जाएगा, मिनिमम लेवल पर पहुंच जाएगा। इसको हम चाहें तो अब थोड़ा सा ऐसे राइट कर सकते हैं, बताइए ए क्या था आपका, एनुअल डिमांड कितनी थी या एनुअल कंजम्पशन कितना था, सी क्या था, प्राइस किसका, नहीं वो तो एच था, तो बी था जो आप यूनिट्स मंगा रहे थे उसका प्राइस कितना है, ठीक है ना, हाँ। ऑर्डरिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट या परचेज कॉस्ट, सोच के देखिएगा, आप पढ़िए इक्वेशन में सी कहाँ लिखा हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पे, सी किस पे लिखा हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पे, तो बताइए फिर सी क्या हुआ, ऑर्डरिंग कॉस्ट। और इसको डिवाइड कर दें अगर हम किससे, एच क्या था हमारी, होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है, तो होल्डिंग कॉस्ट, तो हमें हमारी ईओक्यू पता चल जाएगी। हम ये पूरा ही रूट है बेटा, ये क्लियर है यहाँ तक। अब अगर इसको हम डायग्राम के फॉर्म में देखना चाहें तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो आपकी टोटल कॉस्ट थी ना, जो कि कॉम्बिनेशन था या समेशन था, कितनी कॉस्ट का, तीन कॉस्ट का, थ्री कॉस्ट, तो उनका जब आप डायग्राम बनाओगे ना तो वो इस तरह का होता है, और उसमें ये अपनी मिनिमम लेवल कहाँ पर है, यहाँ पर कहीं है, तो इसी लेवल पर ये जो यूनिट्स हैं इसको ई ओ क्यू कहते हैं, और यहाँ पर हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं, राइट। अगर आप ई ओ क्यू से कम ऑर्डर करते हो तो आपकी कॉस्ट, देखो मान लो ई ओ क्यू है सपोज 100 यूनिट्स मान लो,
और आपने एक्चुअल ऑर्डर जो किया वो 70 यूनिट्स का किया, तो एक्सपर्ट्स कहते हैं थोड़ा सा और ऑर्डर बढ़ा दो तो तुम्हारी जो कॉस्ट है वो भी और डिक्रीज हो जाएगी। और उसने बढ़ाते बढ़ाते इतना ऑर्डर बढ़ा दिया कि वो 100 को क्रॉस कर गया, और सपोज़ उसने वहाँ पर 130 का ऑर्डर कर डाला एक लॉट में, तो अब कॉस्ट ज़्यादा निकल गई। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अपने ऑर्डर की क्वांटिटी को क्या करो, कम करो। तो ये जो कम करना, रिड्यूस करना ऑर्डर की क्वांटिटी को, और ऑर्डर की क्वांटिटी को इंक्रीज करना, नहीं नहीं बेटा ये तो टोटल कॉस्ट है, वो आप शायद इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ में इसको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। तो ईओक्यू वो इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरह है जहाँ पर इससे आगे जाना मतलब कॉस्ट बढ़ाना, और जहाँ पर इससे पीछे रहना मतलब कॉस्ट बढ़ी हुई है ऑलरेडी, आपको अगर रिड्यूस करना है, ठीक है ना, तो आप ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ाकर कर सकते हैं। हालांकि ये वाला तरीका एक आम आदमी, एक ऑर्डिनरी पर्सन इस फॉर्मूले के थ्रू नहीं करेगा, वो रादर क्या करेगा, ट्रायल एंड एरर करेगा। वो एक करके देखेगा कि अगर मैंने इतनी यूनिट्स ऑर्डर करी तो टोटल कितना खर्चा, अगर मैंने टोटल इतनी यूनिट्स ऑर्डर करी तो कितना खर्चा, और एक वो पूरा शेड्यूल बना लेगा और देखेगा कि किस में सबसे कम आ रही है। लेकिन इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कितनी बार करोगे ऐसा। तो हमने सोचा कि एक ऐसा फॉर्मूला बना लिया जाए ताकि हम सीधा इसको कैलकुलेट कर लें। सो ईओक्यू का दूसरा नाम क्या है, इसका नाम है रीऑर्डर क्वांटिटी, राइट। ईओक्यू इज आल्सो नोन एज रीऑर्डर क्वांटिटी। तो अगर इसके दूसरा नाम ये है तो इसको हम यही क्यों नहीं बोल देते? आंसर इज वेरी सिंपल, इसका आंसर रैशनैलिटी में छुपा हुआ है। देखिए कोई आदमी समझदार है, रैशनल है, तो इसका ये मतलब है कि अगर वो प्रॉफिट्स की बात कर रहा है तो उसको मैक्सिमम करने की कोशिश करेगा, अगर वो कॉस्ट की बात कर रहा है तो उसको मिनिमम करने की कोशिश करेगा। आपका हर डिसीज़न, ज़रूरी थोड़ी है कि ऑप्टिमम हो, ज़रूरी थोड़ी कि आपने जितना बोला उतने पे आपकी कॉस्ट मिनिमम हो गई हो। तो अगर आपके बॉस ने ये कहा कि 50 यूनिट्स ऑर्डर करो, ठीक, तो ये आपकी क्या हो गई, रीऑर्डर क्वांटिटी। लेकिन जब हमने डेटा लगाकर देखा तो हमने पाया कि जी ईओक्यू तो जी 70 यूनिट्स का है, इसका मतलब जो एक्चुअल में डिसीजन लिया गया वो कितने का लिया गया सिर्फ, तो क्वांटिटी ये एक्चुअल वाली ऑर्डर की गई है। लेकिन जब हमने अपने बॉस को बताया कि सर अगर आप 70 करोगे ना तो आपकी कॉस्ट और कम हो जाएगी, तो उसने कहा कि चलो ठीक है 70 कर दो, तो अब आपने क्या करा, ये आपकी रीऑर्डर क्वांटिटी हो गई। यानी कि जितनी भी क्वांटिटी आप ऑर्डर कर देते हो वो सब की सब क्या है, रीऑर्डर क्वांटिटी है। बट लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे की सारी रीऑर्डर क्वांटिटी कैसी हो, ईओक्यू हो, राइट। तो ये भी एक आरओक्यू है, ये तो डैम श्योर है, लेकिन हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारे बॉस हैं वो रैशनल हैं, यानी कि वो पहले से ही ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे कि वो 50 यूनिट्स को क्या करें, ऑर्डर करें। तो वो उतनी ही ऑर्डर करेंगे जितनी कि वो किसके इक्वल होगी, ईओक्यू के। तो इसलिए आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम पर ईओक्यू को रीऑर्डर क्वांटिटी कह सकते हैं, और जहाँ जहाँ हमें उसकी नीड होगी वहाँ वहाँ पर हम उसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। नाउ राइट अ क्वेश्चन, लिखिए, ए कंपनी परचेजेस 1600 यूनिट्स ऑफ सर्टेन कॉम्पोनेंट, ऑफ सर्टेन कॉम्पोनेंट फ्रॉम ए सप्लायर, फ्रॉम अ सप्लायर, फुल स्टॉप, हिज, इट्स लिखिएगा, सॉरी,
इट्स एनुअल डिमांड इज 1600 यूनिट्स. एनुअल डिमांड इज 1600 यूनिट्स. फिर लिखिए फुल स्टॉप. द ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट इज रुपीज 100 एंड द कैरिंग कॉस्ट ऑफ वन यूनिट फॉर अ ईयर इज रुपीज 8 इज रुपीज 8 फुल स्टॉप. कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड वेरीफाई योर रिजल्ट. एंड वेरीफाई योर रिजल्ट. ठीक है, तो चलिए देखिए, बताइए स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन. तो टू, व्हाट इज योर एनुअल डिमांड? 1600. व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट? रुपीज 100. कैरिंग कॉस्ट 8 रुपीज. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 200 आ गया. अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये कंपनी 200 यूनिट्स को ऑर्डर कर दे एक लॉट में, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? मिनिमम, जैसे हमने ये 100 लिखा हुआ था, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? से 200 लिख सकते हैं. ये तो क्वेश्चन इतना तो सॉल्व हो गया. बोलो, ये जो 8 रुपये वाली है, हाँ ये 1 यूनिट की है. इफ़ यू रिमेंबर, जब हम फॉर्मूला लिख रहे थे तो ये जो H था ये 1 यूनिट का ही तो था. हाँ, देन उसको हमने मल्टीप्लाई किया था Q डिवाइड बाई 2 से, है ना, तो वो H 1 यूनिट का ही था. क्लियर? 200 यूनिट्स. अब इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने का क्या मतलब हुआ कि अगर इसको ट्रायल एंड एरर से किया जाए विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला तो क्या होना चाहिए. तो अब हमें ट्रायल एंड एरर लगानी है. ठीक है, तो इसमें एक टेबल क्रिएट कीजिएगा. ठीक है, पहला कॉलम इसमें बनाइए कि हमारे को ये देखना है कि हम कितने ऑर्डर्स करें. हाँ, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, से 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, इस तरीके से, है ना. हाँ, सीरियल नंबर. यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये हमारी ऑर्डर क्वांटिटी है. एक हमारी कौन सी कॉस्ट आएगी? ऑर्डर की कॉस्ट आएगी. ठीक है, एक हमारी कौन सी कॉस्ट आएगी? होल्डिंग कॉस्ट आएगी. एक हमारी कौन सी कॉस्ट आएगी? परचेज कॉस्ट आएगी. एंड फाइनली हमारे पास कौन सी आएगी? टोटल कॉस्ट आएगी. तो अब आप ऑर्डर्स लिखिए. अगर हम ऑर्डर क्वांटिटी में या एक ही ऑर्डर करते हैं, टोटल रिक्वायरमेंट बताइए कितने की है? 1600. और आप एक ही ऑर्डर कर रहे हैं तो बताओ कितनी क्वांटिटी रखनी पड़ेगी एक ऑर्डर में? 1600. तो ये 1600 हो जाएगी. अगर आप टू ऑर्डर्स करते हैं तो 800 हो जाएंगी. ठीक है, तो ऐसे आपको बाकी नंबर्स कैलकुलेट करिए 10 तक के लिए.
कैलकुलेटेड अब आपको निकालनी है ऑर्डरिंग कॉस्ट. एक ऑर्डर की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ है. सो आपने पहले नंबर पे सिर्फ एक ही ऑर्डर किया है तो 100 रुपीज़ हो जाएगी. सेकंड पे आपने सिर्फ दो ऑर्डर किए हैं तो 200 हो जाएगी. इस तरीके से बाकी नंबर्स निकालिए. ठीक, अब उस फॉर्मूले को रिमेंबर कीजिए जब हमने टोटल कॉस्ट निकाली थी. उसमें एक ऑर्डरिंग कॉस्ट का कंपोनेंट था, एक परचेज कॉस्ट का कंपोनेंट था, एक होल्डिंग कॉस्ट का था. होल्डिंग कॉस्ट का जो कंपोनेंट था उसमें आपने क्या नंबर यूज़ किए थे? क्यू डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय द होल्डिंग कॉस्ट. होल्डिंग कॉस्ट इस क्वेश्चन में कितनी है? 8 रुपीज़ है पर यूनिट की. अब मुझे ये पता होनी चाहिए कि मेरी एवरेज इन्वेंट्री कितनी है, और एवरेज इन्वेंट्री मैंने फॉर्मूले में कैसे लिखी हुई थी? कैपिटल क्यू डिवाइड बाय 2. और क्यू क्या था? ऑर्डर की क्वांटिटी. तो आपने पहले ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी मानी है? 1600. तो आपकी एवरेज इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी? 1600 डिवाइड बाय 2. तो वो आपकी एवरेज लेवल ऑफ इन्वेंट्री आएगी. तो जब आप होल्डिंग कॉस्ट निकाल रहे होंगे तो दैट मीन्स दिस नंबर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 8. तो बाकी सारे 10 तक के जितने ऑर्डर्स हैं उस पर कैलकुलेट कीजिए. कैलकुलेट हुए. सो पहला नंबर जो आना चाहिए आपका वो 6400, राइट? देन फिर 400 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि 800 का 2 से डिवाइड करोगे ना, तो 400 मल्टीप्लाई तो 3200. ठीक है, इसी तरीके से आपके बाकी नंबर्स आ जाएंगे. तो होल्डिंग कॉस्ट आपके पास आ चुकी होगी, आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट आ चुकी होगी, अब आपको ज़रूरत पड़ेगी परचेज कॉस्ट की. उसी फॉर्मूले में जाइए जिस फॉर्मूले से हमने डेरिवेशन की थी. वहाँ पर लिखा हुआ था दिस इज़ इक्वल टू द एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाइड बाय योर परचेज प्राइस. अगर हम क्वेश्चन की रीडिंग करें तो हमें कहीं नहीं बताया गया कि उसकी परचेज यूनिट्स कितनी है, सॉरी परचेज प्राइस कितना है. लेकिन ज़रा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमने इस फॉर्मूले को ड्राइव किया था तो डेरिवेटिव ने कॉन्स्टेंट को क्या कर दिया था? ज़ीरो कर दिया था. कहता है कि आप चाहे ऑर्डर 2 करो, चाहे 3 करो, चाहे 4 करो, चाहे 5 करो, घुमा फिरा के एनुअल ऑर्डर का जो टोटल क्वांटम है वो तो ए ही हो जाएगा. इसलिए आपकी परचेज कॉस्ट आपके टोटल डिसीजन में कोई रोल प्ले नहीं करेगी. और ये बात हमें मैथमेटिकली भी इसलिए समझ में आ जाती है कि डेरिवेटिव क्या हो गया था उस नंबर का? 0. और वो हमें देखिए हमारे फॉर्मूले में भी नज़र नहीं आ रही है. तो इसका मतलब हम चाहें तो इस वाले कॉलम को क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं. तो अब हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी बनेगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों को ऐड कर दीजिए.
और पता कीजिए कि अब आपके टोटल कॉस्ट कहाँ पर सबसे मिनिमम है, ऑर्डर नंबर एट पे। और ऑर्डर नंबर एट पे कितनी क्वांटिटी बनेगी ऑर्डर की, 200। और हमारे फॉर्मूले ने भी कितनी दी थी, 200 दी थी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपका डेटा आपके सामने आया है राइट, उसका एक डायग्राम ड्रॉ करना है। तो अब आप ड्रॉ कीजिए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, समथिंग लाइक दिस। और उस डायग्राम पे आपको ओसी, एससी और टीसी तीनों प्लॉट करने हैं। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे जो आपको रखना है वो रखनी है क्वांटिटी, और यहाँ पर आपको देखिए मैंने क्या क्या बोला है, ओसी, एचसी और टीसी। तो बताइए आपने क्या क्या लिया हुआ था, एक 1600 था, एक आपके पास 800 था, और इस तरीके से चल रहे थे नंबर, नीचे तक आते आते वो ऑर्डर क्या हो गए होंगे, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे ले लीजिएगा, से 100, 200, से 300, 400, आप चाहो तो 50, जिससे भी आप कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से आप ले लीजिए। ठीक है, और देन उसको जब आप प्लॉट करेंगे तो यू विल फाइंड कि आपके पास एक ये कर्व और एक ये वाला कर्व आएगा। तो जो आपका मेन कर्व आएगा ना टोटल कॉस्ट, यू विल फाइंड कि उसकी जो शेप है वो आपको कुछ ऐसी सी नज़र आएगी, यू शेप टाइप। आप करके देखिए उसे, ये यू शेप आपको डेटा का पैटर्न देखकर भी समझ में आ जाएगी। जहाँ पर आपकी टीसी सबसे मिनिमम आ रही होगी ना, उसके आसपास के नंबर्स देखिए, दोनों उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होंगे। ये तभी पॉसिबल है जब ऐसा करके ऐसे शेप हुई होगी। और एज एक्सपेक्टेड तो हम देखेंगे हमारा मिनिमम पॉइंट, क्योंकि जो आपका पैटर्न है बस आपने उसे ग्राफिकली प्लॉट किया है, तो नथिंग एल्स। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ तभी वर्किंग है जब आपको क्या एज्यूम करना होगा कि आपका प्रोडक्शन मैनेजर बहुत अच्छे से जानता है कि उसका कंजम्पशन रेट क्या है, कितना है। अगर उसको इस डेटा में कुछ प्रॉब्लम है, अगर उसको पता है कि मैं अच्छे से नहीं जानता, तो ये वाला EQ यूज़ नहीं हो पाता। क्लियर हो गया यहाँ तक, कि वन ऑफ द अजम्पशंस है।
हाँ, तो इसके बाद अलग मॉडलिंग्स होती हैं, ठीक है, नहीं है ना, लेकिन वो एक अलग है पूरा, उसमें आप मटेरियल मैनेजमेंट करके पूरा सब्जेक्ट होता है, तो उसके अंदर में आप उसको पढ़ सकते हैं, तो हाँ उसमें पढ़ा होगा आपने, हाँ उसमें मॉडल्स पढ़े होंगे, तो उसके अंदर ये पॉसिबल है, ठीक है। तो बताइए यहाँ तक बात समझ में आती है अच्छे से? ओके, चलिए, तो हमारा जो ईओक्यू वाला टॉपिक था ये तो फिनिश हो जाता है। तो हमें इन्वेंट्री कुछ इस तरीके से मैनेज करनी चाहिए ताकि एक तो वो ईओक्यू के कंसिस्टेंट हो, दैट मीन्स उतनी हो जितनी हमें टोटल कॉस्ट क्या है, मिनिमम आए। अनदर है कि रीऑर्डर लेवल, एक है रीऑर्डर क्वांटिटी, वो उस पर हमने डिस्कशन कर ही लिया है, ये हमारी कौन है, ईओक्यू है। अनदर इज योर मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल, और एक चीज हम पढ़ेंगे लीड टाइम। ये जो लीड टाइम होता है ये टू टाइप्स का होता है, वन इज मैक्सिमम लीड टाइम एंड अदर इज द मिनिमम लीड टाइम। ठीक है, लीड टाइम का ये मतलब होता है कि जब आप ऑर्डर कर दोगे सप्लायर को तो आने में टाइम लगेगा, तो मैक्सिमम कितने टाइम में गुड्स आपके पास आ जाएंगी और मिनिमम कितने टाइम में आपके पास आ जाएंगी। जैसे कि आपने सप्लायर से कहा कि भाई हमें 100 केजी की गुड्स सप्लाई कर दो, तो सामने वाले सप्लायर ने बोला कि 3 से 5 दिन लगेंगे, 3 to 5 days लगेंगे, यानी 3 दिन से पहले तो तुम्हारे पास वो पहुँचेगा ही नहीं। तो इसको बोलते हैं मिनिमम लीड टाइम और इसको बोलते हैं मैक्सिमम लीड टाइम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है? अब ये जो रीऑर्डर लेवल है, रीऑर्डर लेवल का मतलब ये है कि जब हमारा प्रोडक्शन मैनेजर अच्छे से जानते थे कि आपका कंजम्पशन रेट है कुछ, तो आपका गोडाउन में जो क्वांटिटी है मटेरियल की वो डिक्रीज हो रही है। तो देखो यहाँ लेवल कम होता जा रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि आप परचेज मैनेजर को तब बताओ जब ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो हमें एक ऐसा ऑप्टिमम लेवल ढूंढना चाहते हैं जहां पर आते ही हम तुरंत परचेज मैनेजर को जाके बोलते हैं कि भैया ऑर्डर कर दो, तो उस लेवल को हम क्या बोलते हैं, रीऑर्डर लेवल कहते हैं। अब मैनेजर मुझसे पूछेगा कि भाई कितना ऑर्डर करूं, तो हमने कहा कि इक्वल टू द ईओक्यू कर दो, तो रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी ये हो जाती है। अच्छा, ये होता है कि भाई इतने पे पहुंचने पे आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, लेकिन ये फिर भी आपका एक मिनिमम लेवल है, राइट? एक आपका मैक्सिमम लेवल है। देखो मैक्सिमम लेवल भी इसलिए डालना पड़ रहा है कि ऐसा नहीं कि बस अगर एक गोडाउन है आपके पास बड़ा सा तो उसके अंदर कुछ भी डालते चले जाओ, तो उसका भी एक लेवल रख दिया भाई, इतने से ज़्यादा उसके अंदर मेटेरियल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से ये इतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर इतना नहीं हुआ तो वर्कर्स क्या हो जाएंगे, ये खाली बैठेंगे, आइडल बैठेंगे, राइट? मिनिमम और मैक्सिमम का जब हम एवरेज निकाल देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज लेवल बोलेंगे, राइट? राइट अ क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, कैलकुलेट वेरियस लेवल्स, कैलकुलेट वेरियस लेवल्स। लिखिए, क्वेश्चन इज टू कॉम्पोनेंट्स ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलोज। टू कॉम्पोनेंट्स ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलोज। लिखिए, नॉर्मल कंजम्पशन 50 यूनिट्स पर वीक ईच, 50 यूनिट्स पर वीक ईच, पर वीक, हाँ, हर हफ्ते 50 यूनिट्स हर एक के लिए, दैट मीन्स ए की भी इतनी है और बी की भी इतनी है। फिर लिखिए, मिनिमम कंजम्पशन 25 यूनिट्स पर वीक ईच यूनिट,
सो ईच कॉम्पोनेंट 25 यूनिट्स पर वीक ईच. फिर है मैक्सिमम कंजम्पशन 75 यूनिट्स पर वीक, 75 यूनिट्स पर वीक, ये भी ईच. फिर लिखिए रीऑर्डर क्वांटिटी, इसके अंदर लिखिएगा कंपोनेंट ए 300 यूनिट्स. फिर लिखिए कंपोनेंट बी 500 यूनिट्स. फिर लिखिए रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड इसके अंदर लिखिए कंपोनेंट ए 4 to 6 वीक्स, 4 से 6 हफ्ते. फिर है कंपोनेंट बी 2 to 4, 2 से 4 हफ्ते. ठीक है, जो कैलकुलेट करने हैं हमें वो है रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल. लिखिए रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम लीड टाइम मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम लीड टाइम मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम कंजम्पशन. फिर लिखिए मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस स्टार्ट ब्रैकेट एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम, एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम. फिर लिखिए मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस स्टार्ट ब्रैकेट मिनिमम कंजम्पशन माइनस ब्रैकेट मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम लीड टाइम. निकालिए आंसर. एवरेज मिनिमम और मैक्सिमम का अरिथमेटिक मीन ले लीजिएगा. एवरेज कंजम्पशन में
एवरेज कंजम्पशन ध्यान, जो आपका मिनिमम कंजम्पशन है और जो मैक्सिमम कंजम्पशन है, दोनों का अर्थमेटिक मीन होगा। आया आंसर? कहाँ इशू है? देखो, मैक्सिमम लीड टाइम, ठीक है, और मैक्सिमम कंजम्पशन, तो मैक्सिमम कंजम्पशन तो ये हो गया, ठीक है, और मैक्सिमम लीड टाइम हमारे को दिया हुआ है एक एक कंपोनेंट में 4 to 6 weeks, तो ये हो गया सिक्स। हाँ तो ठीक है, हाँ बढ़ो। सो मैं आंसर बोल रहा हूँ, आप मैच कराइए इनको कि ये आ रहे हैं कि आपके फर्स्ट पार्ट में रीऑर्डर लेवल के लिए ए कंपोनेंट इज 450 यूनिट्स, बी कंपोनेंट 300 यूनिट्स, 300, ठीक है। मिनिमम लेवल में कंपोनेंट ए 200 यूनिट्स एंड कंपोनेंट बी 150 यूनिट्स, मैक्सिमम लेवल में कंपोनेंट ए 650 देन 750। हाँ बेटा, कौन से वाला कंपोनेंट ए मिनिमम के अंदर में 200 है, एवरेज के अंदर में एज्यूमिंग दैट कि आप मिनिमम और मैक्सिमम का ऐड करेंगे और टू से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो वो आपका लेवल निकल आएगा, ठीक है। जो इससे अगले वाला क्वेश्चन अब ये है ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। मैक्सिमम लेवल का बी 750, नहीं बेटा, सिक्स, जो 650 है वो ए कंपोनेंट का होगा, राइट? नाउ राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन टेक्निकल है और जब आप अपना एग्जाम प्रिपेयर करें तो इस क्वेश्चन को ज़रूर करके जाएं, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसमें लिखिएगा, इन मैन्युफैक्चरिंग इट्स प्रोडक्ट्स ए कंपनी यूजेस थ्री रॉ मटेरियल्स ए बी एंड सी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द फॉलोइंग अप्लाई, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द फॉलोइंग अप्लाई।
Now prepare a table of 7 columns. Prepare a table of 7 columns. Headings are, first column is raw material. Second column is consumption per unit of product. Consumption per unit of product. Column 3, reorder quantity. Right? Agla column hai rate ya price per unit in paise, not in rupee, in paise. Fir hai lead time in weeks. In weeks. Next hai reorder level. And last hai minimum level. Theek hai? Headings are closed. Bataiye kitne materials hain total? So first column mein A, B, C. Column wise. A, B, C. Second column mein numbers likhiye. 10, 4, 6. A ke against 10, B ke against 4, C ke against 6. Reorder quantity column mein likhiye. 10,000, then 5,000, then 10,000. Rate mein likhiye. 10, then 35, then 15, 15. Lead time mein likhiye. A ke against 1, 2, 3, 1 se 3. Next hai 3 to 5 against B, against C 2, yani ki 2, 2, 4, 2 se 4. Reorder level mein likhiye. A ke against 8,000, B ke against 4,750, and C ke against unknown. Theek? C ka nahi pata. Minimum level mein likhiye, A ke against unknown, B ke against unknown, and C ke against 2000. Table close kar dijiye. Niche likhiye, weekly production changes from 175 to 225 units. Full stop. What would you expect? What would you expect the quantities of the following to be? What would you expect the quantities of the following to be? First, minimum stock of A. Minimum stock of A. Dekhiye, wahi unknown tha. B point, maximum stock of B. Next, reorder level of C. And last, average stock level of A. Now try to solve. इसमें एक लाइन ट्रिकी है और वो या तो टेबल से पहले लिखी हुई है या टेबल के बाद लिखी हुई है. अगर आप उस ट्रिकी लाइन को समझने में कहीं पर गड़बड़ कर गए, ये क्वेश्चन में पूरे में गड़बड़ हो जाएगी. इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को. एंड इस क्वेश्चन को करने से पहले ध्यान रखिएगा, जब हम ईओ क्यू निकाल रहे थे तो वो ईओ क्यू किसकी निकल रही थी. एंड उस पिक्चर को याद रखिए जिसमें प्रोडक्शन मैनेजर है, एक परचेज मैनेजर है, एक सप्लायर है. उन बातों को ध्यान में रखते हुए जब इस क्वेश्चन पे आइएगा.
बेटा? सर ये एक्चुअली मेरा नाम मिस हो जाता है। ये वाला कंजम्पशन कौशिक है? ये टेन फोर ये रॉ मेटल, हाँ ये रॉ मेटल के ये नेम है ना रॉ मेटल के ए बी सी, ठीक है। बाकी तो वैसे सारे आया बेटा कुछ समझ? इसकी ये वाली लाइन थोड़ी सी ट्रिकी है, इस पे ध्यान रखना है आपको कि 175 है और ये प्रोडक्शन है, ठीक है, और जबकि ए बी सी जो है वो मटेरियल है। हाँ तो इसका ध्यान रखना है कि जो ई ओ क्यू निकलती है वो मटेरियल की निकलती है, ना कि वो जो गुड्स बन गई हैं उसका, जबकि इसने जो नीचे प्रोडक्शन दिया हुआ है ना वो गुड्स का दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, पहले तो उसको कन्वर्ट करना होगा कि कितना मटेरियल है, हाँ, और वो आप यहाँ से इस टेबल का यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हो। ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो हम करेंगे इसको अभी। ट्रिकी लाइन आइडेंटिफाई हुई? वो जो लिखा हुआ है ना प्रोडक्शन चेंजेस, वही है। हुआ कुछ बाद में इसको पहले? देखो जब आप लेवल निकाल रहे होंगे तो आपको जैसे रीऑर्डर लेवल निकालना है आपको, ठीक है, तो उसमें तो मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए। तो मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ व्हाट? मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ द रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल हमारे कितने हैं? ए हैं, बी हैं एंड सी हैं। तो अगर मैं ए का निकालना चाहता हूँ तो मुझे ए का मैक्सिमम कंजम्पशन चाहिए। अब उसने ये बोला है कि जो आपका प्रोडक्शन होता है 175 से 225 यूनिट्स तक होता है, तो इसको बनाने के लिए ए की कंजम्पशन पर यूनिट पे 10 यूनिट लगती हैं। सो 225 बनाने के लिए ए की कितनी यूनिट्स लगेंगी? दिस इज़ द मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो एक यूनिट में अगर 10 यूनिट्स खर्च होती हैं इस वाले मेटल की, तो 225 में कितनी खर्च होंगी? 225 0, वो आपका मैक्सिमम कंजम्पशन होगा। गॉट इट?
इसी तरह इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि कंजम्पशन मटेरियल्स के हैं ना कि इसके, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ मैक्सिमम कंजम्पशन, जहाँ जहाँ मिनिमम कंजम्पशन लिखा होगा तो मिनिमम इसको मानना है, मैक्सिमम इसको मानना है। बट लेकिन ये प्रोडक्शन का है, हमें चाहिए मेटल का, तो आपको इन नंबर से उनको कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो अगर वो ए की बात हो रही है तो ए, बी की बात हो रही है तो बी, उस तरीके से आपको करना होगा। कैलकुलेटेड और नॉट आया, तो आंसर मैच कराएं। फर्स्ट आना चाहिए 4000 यूनिट्स, आया या नहीं आया। सेकंड आना चाहिए 7650, देन आना चाहिए 5400, देन आना चाहिए 9000 या 10125। फोर्थ ठीक नहीं है, ओके। एवरेज लेवल में तो दोनों का वो निकाल लो ना, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल। कौशिकी हुआ, हुआ हाँ, इसका तो मैक्सिमम ही आ गया, तो ये मैक्सिमम कंजम्पशन हुआ ए का, ए का हो गया, और मैक्सिमम लीड टाइम हो गया ए का, थ्री का हो गया। तो बस इसको सॉल्व कर दो, आपका रीऑर्डर लेवल आ जाएगा, क्योंकि जो एवरेज लेवल का है ना, एक फॉर्मूला और होता है। हाँ तो बस वही है, इसी तरीके से फिर हमें बी का और सी का है ना। हालांकि उसने क्वेश्चन में बहुत समझदारी दिखाई है, उसने ज़्यादा का पूछा नहीं है, ठीक है ना, उसने कम कम का ही पूछा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन सी ए इंटर और जो सी डब्ल्यू ए, या जिसको आज के टाइम में आप सी एम ए कहते हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर ये इनका बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर में, ठीक है ना। और अधिकतर बच्चे जो गड़बड़ कर जाते हैं, वो सिर्फ उसी लाइन पे गड़बड़ कर जाते हैं, वो प्रोडक्शन वाली पे ही, वही समझ बैठते हैं कि यही मिनिमम कंजम्पशन है और यही क्या है, मैक्सिमम कंजम्पशन है, ठीक है ना। सो पॉइंट टू बी नोटेड हेयर इज़ दैट कि हम जो ई ओ क्यू कैलकुलेट करते हैं वो मटेरियल की होती है, ना कि प्रोडक्शन की। कौशिकी आंसर आ गए कंप्लीट सारे, बेटा आपके आ गए। इसमें बताइए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट ई ओ क्यू, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट ई ओ क्यू। कंजम्पशन पर सिक्स मंथ्स, कंजम्पशन पर सिक्स मंथ्स 6000 यूनिट्स, पर सिक्स मंथ्स। फिर है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट रुपीज 30 पर टू ऑर्डर्स, हाँ पर टू ऑर्डर्स, ठीक। फिर लिखिए इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर एनम, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर एनम रुपीज 15। बस यही है, बताइए। हाँ बेटा, पहले वाला 6000 है,
ये तो स्ट्रेट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है बस, मतलब इस वाले क्वेश्चन के अंदर तो जो सीधा फॉर्मूला है हमारे पास में बस उसी को अप्लाई करना है। थ्री सेवन नाइन शुड बी द आंसर। हाँ 379 अप्रॉक्सीमेट। देखो आपने एनुअल कंजम्पशन निकाला होगा 12,000, उसके बाद आपने ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाली होगी। ओके ठीक है, मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको गलत बता दी है, ठीक है। सो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपने, अब उसके हिसाब से ठीक होगा आपका। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें टू ऑर्डर्स की दी गई है, एक ऑर्डर की निकालनी है आपको, तो उसको डिवाइड कर दीजिएगा, 15 रुपये आ जाएगी। और कैरिंग कॉस्ट हमारे पास 15 है, तो एच की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगा। अब आपका जो स्टडी मटेरियल है इसके अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 6.1 है, इसके अंदर में उन्होंने एक चीज़ और एक्स्ट्रा पूछी हुई है, तो हम उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें लिखिए द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन, सॉरी 6.2 है, अ स्टेशनरी परचेज इज समथिंग कुछ करके एग्जांपल है, ठीक है। तो आप देखिए उसमें लिखा हुआ है अ स्टेशनरी परचेज इज 70,000 यूनिट्स ऑफ पेपर पर एनम एट कॉस्ट ऑफ ₹100 पर यूनिट, राइट। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹ दिस मच एंड होल्डिंग कॉस्ट इज 5% पर ईयर ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट। नॉर्मल लीड टाइम इज 20 डेज, नॉर्मल मतलब ये एवरेज कर दिया है इसने, ठीक है। और उसने बोला कि कोई भी सेफ्टी स्टॉक नहीं है, तो कह रहा है कि ईओ क्यू बताइए। तो चलिए सबसे पहले ईओ क्यू निकाल लेते हैं। इसकी क्या क्या चाहिए ईओ क्यू निकालने के लिए आपको? एक तो ए चाहिए, एक आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए, एक टू चाहिए जो है, एक आपको होल्डिंग कॉस्ट, देन उसका स्क्वायर रूट चाहिए, राइट। तो जहाँ तक बात इस टू की है, इट इज़ कॉन्स्टेंट। एनुअल कंजम्पशन मुझे कितना बताया हुआ है? 70,000 बताया गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट मुझे कितनी बताई गई क्वेश्चन में? 500 बताई गई है। अब एक जगह नोट लिखिएगा कहीं पर अपनी नोटबुक के अंदर, whenever holding cost is given as percentage, just as in the given question, comma, then the amount should be calculated as the percentage of the price। तो इसमें जो मेरे पास H है ना, वो सीधा सीधा एक्सप्रेसली नहीं दिया गया, तो मुझे जो बताया गया वो कितना बताया गया है, वो है 5% पर ईयर, और हमें ईयरली ही चाहिए होती है। तो 5% ऑफ वॉट? 5% ऑफ द प्राइस, क्लियर। तो प्राइस मेरा कितना है इसके अंदर? 100। तो इस 100 का 5% कितना हो जाएगा? 5 रुपये। इसको सॉल्व कर देंगे तो इट्स नॉट अ बिग डील नाउ, तो हमारा ई ओ क्यू आ जाएगा। उसके बाद इसने बोला है सेकेंड पे रीऑर्डर इन्वेंट्री लेवल बताइए, एज्यूम कि 360 डेज है इन अ ईयर। तो ठीक है, रीऑर्डर लेवल का हम सीधे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और रीऑर्डर लेवल निकल जाएगा। नाउ जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है इफ़ वन, यहाँ है ये जो मेन पॉइंट है जो मैं बताना चाह रहा था। उसने बोला है कि इफ़ 1% क्वांटिटी डिस्काउंट इज ऑफर्ड बाय सप्लायर फॉर मिनिमम परचेज ऑर्डर ऑफ 20,000 यूनिट्स, तो उसने बोला है कि इस प्रपोजल को एसेस करो। देखो इसको सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा ना, वो 3741 यूनिट्स आ रहा है एज पर योर मटेरियल, कि इतने यूनिट्स को ऑर्डर कर दीजिए। लेकिन जो सप्लायर है ना, उसने आपको एक कहा कि भाई देखो अगर आप मिनिमम 20,000 का ऑर्डर प्लेस कर दो
तो हम तुम्हारे को 1% का क्वांटिटी डिस्काउंट देंगे. एंड क्वांटिटी डिस्काउंट कौन सा होता है? हायर द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी यू बाय, ठीक है ना, लेसर द प्राइस विल बी. और एक डिस्काउंट है, उसको बोलते हैं हम कैश डिस्काउंट. तो कैश डिस्काउंट ये होता है कि यू हैव ऑलरेडी परचेज द गुड्स, और हमने क्योंकि आपको चीज़ें क्रेडिट पे दी हैं, उधार दी हैं, और सेम मैंने आपको कहा 30 डेज़ का क्रेडिट पीरियड है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे जल्दी से जल्दी पैसे दे दीजिए. सो दिस इज़ नॉन एज द कैश डिस्काउंट. लेकिन ये क्वान्टिटी डिस्काउंट नहीं होता. क्वान्टिटी डिस्काउंट तो क्या होता है, मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लो, तो मैं जो पर यूनिट रेट है उसको क्या कर दूँगा, कम. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ज़्यादा सब्जियाँ खरीद कर लाओगे तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट आएगी तो सस्ती हो जाएंगी, वही वाली कहानी है. तो कह रहा है कि आप इस प्रपोजल को एसेस कीजिए. तो ठीक है, हम ये देखते हैं जो इन्होंने किया है वो ये है कि अगर आप ईओक्यू का ऑर्डर करते हैं तो आपके टोटल कितने खर्चे आते हैं. तो बताइए, जब इक्वेशन को हमने ड्राइव किया था तो हमने इक्वेशन क्या लगाई थी, टी सी इज इक्वल टू वॉट, परचेजिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट. तो अगर हम 3741 यूनिट्स का ऑर्डर करते हैं तो जैसे हमने अभी टेबल बनाई थी ना, मैंने डायग्राम बनाने को आपसे बोला था, तो पता करो इसका कितना बनेगा, सीधा इक्वेशन फॉर्म में लिख के बताओ, इग्नोर द टेबल. 3741 यूनिट्स को ऑर्डर करने की टोटल कॉस्ट क्या, तो एक ऑर्डर कॉस्ट निकालिए, एक होल्डिंग कॉस्ट निकालिए, एक उसकी परचेज कॉस्ट निकालिए. टोटल इसकी डिमांड कितनी है एक साल की, 70,000 ना, 70,000. तो 70,000 को अगर हम उसकी ईओक्यू से डिवाइड कर दें तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मैंने कितने ऑर्डर्स किए हैं, कितनी बार किए हैं. तो यानी कि 3741 से अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे, और इस नंबर ऑफ ऑर्डर्स को अगर हम पर ऑर्डर की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी. पर ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है, 500 रुपये. एक ऑर्डर की कॉस्ट तो इतनी है ना, ठीक है. तो इतना पोर्शन मेरा हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट. होल्डिंग कॉस्ट थी, फॉर्मूले में देखो, क्यू डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट कितना बना. तो पर यूनिट तो हमारा कितना बन गया था, होल्डिंग कॉस्ट का 5. तो अब आपको क्या करना है, 3741 दैट मीन्स योर क्यू डिवाइड बाय कितना, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5. एक चाहिए मुझे इसकी परचेज कॉस्ट. तो परचेज कॉस्ट बताओ कितनी है, क्वांटिटी जितनी भी रिक्वायरमेंट थी आपकी वो कितनी है, 70,000 मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस. तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस कितना है, 100 रुपये, 100 रुपीज. होल्डिंग कॉस्ट तो ये वाली है, ये वाली, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये आपकी परचेज कॉस्ट है. क्लियर हो गई है तो बात. ये तो तब है जब सब कुछ कैसा है, ईओक्यू के हिसाब चल रहा है. अब अगर हम उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लें तो हमें मिनिमम कितना करना होगा. उसने बोला है मैं 1% का डिस्काउंट दूंगा अगर 20,000 यूनिट्स आप मिनिमम ऑर्डर कर दो. यानी कि अगर मैंने 20,000 भी कर दी जो मिनिमम लेवल है तो भी मेरा प्रपोजल एसेस हो सकता है. तो अब आपको ये सेम सिचुएशन दोबारा करनी है, एज्यूमिंग दैट कि हमारा ऑर्डर साइज अब 3741 का नहीं है, 20,000 का है, ठीक है. तो अब आप इसको रीअसेस करो, एज्यूमिंग दैट कि सब कुछ 20,000 के अकॉर्डिंग हो रहा है.
एक चीज़ की जगह पे गलती के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहना, क्योंकि वो 1% का क्वांटिटी डिस्काउंट दे रहा है। नहीं मुझे नहीं पता, आप बताओ। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है वैसे, मतलब वो मुझे किस तरीके से एज अ बायर मुझे बेनिफिट कैसे देगा? परचेज प्राइस में से कम हो जाना चाहिए। हाँ तो अब इस बात का ध्यान रखना है, और उस प्राइस के दो जगह असर हुए थे, एक तो यहाँ पर और कैरिंग कॉस्ट पे भी फर्क आ जाएगा उसको। ऑर्डरिंग कॉस्ट का टोटल डिमांड जितनी थी, क्यू मतलब जितना भी आपने ऑर्डर किया, मे बी ई ओ क्यू मे नॉट बी, तो उससे मैंने पता चल जाता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं। ऑर्डर कॉस्ट नहीं बदल रही उससे। अच्छा आप में से कोई इसको 70,000 को इस वाले फॉर्मूले से रिलेट करके बता सकता है कि इस वाले नंबर पे अगर हम यहाँ पर आना चाहें, मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस अमाउंट, मतलब कि 70,000 इज योर एनुअल रिक्वायरमेंट कि हमने सीधा सीधा लिख दिया, तो कुछ बुक्स क्या कर सकती हैं, दे मे से कि ओके आपने इतने ऑर्डर्स किए, तो से 70,000 डिवाइडेड बाय 3741, सो दिस इज़ द नंबर ऑफ ऑर्डर्स। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं कि क्योंकि मुझे इतने ऑर्डर्स तो होने चाहिए ना कि मेरे पूरे साल की क्या हो जाए, रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स में अगर मैं इसकी क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरी क्या आ जाएगी, एनुअल रिक्वायरमेंट आ जाएगी। हाँ तो इससे कैंसिल हो जाता है, तो घूम फिर के कहाँ जाओगे। इसीलिए हम कह रहे थे बार बार कि फॉर्मूले में डेरिवेटिव उसको जीरो इसलिए कर देता है, वो कहता है आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ना, आप चाहे इधर से सोच लो चाहे उधर से सोच लो, तो ये अल्टीमेटली उतने ही नंबर पे आ जाएगा जितनी आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है, राइट? तो बताइए एज अ रैशनल पर्सन आप कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहेंगे, जिसमें कॉस्ट ज़्यादा हो जिसमें कॉस्ट कम हो? कम वाला, तो डिस्काउंट में कम आ रहा है, तो ई ओ क्यू हमने पढ़ा है इसलिए उसको एक्सेप्ट कर लें कि नहीं हमने पढ़ा है, इतनी मेहनत करी है उसके अंदर में तो इसलिए हम उसी के साथ जाएंगे। आंसर है नहीं, क्योंकि ई ओ क्यू को यूज़ करते टाइम पर हमने डिस्काउंट को कंसिडर नहीं किया हुआ। अब जब हमें अगर अच्छा ऑफर मिल रहा है तो आपको क्यों कंसिडर नहीं करना चाहिए, ठीक है? हाँ अगर इसकी टोटल कॉस्ट ज़्यादा आ रही होती, ठीक है, तो मना कर देते, फिर हम इसके साथ चले जाते, तो इस तरीके से आपका ये वाला पार्ट भी ओवर हो जाता है, ठीक है? अच्छा इसके बाद जो आपका इसमें टॉपिक शुरू हुआ हुआ है वो टॉपिक है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, ठीक है ना? बेसिकली एक है ना कंपनी, इसका नाम है टोयोटा, ठीक है, इट्स अ जैपनीज कंपनी, और टोयोटा अपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती है, ठीक है, और इवन अमेरिका के अंदर भी, ठीक है, बहुत सारी कार्स आपको दिखेंगी मैन्युफैक्चर्ड बाय टोयोटा है।
एंड जैपनीज माने जाते हैं कि मैनेजमेंट थिंकिंग के अंदर, ठीक है ना, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डेवलप की हैं, उसमें से एक जिट भी है जिसको हम शॉर्ट में जस्ट इन टाइम कहते हैं, राइट। उनका मानना ये है कि जैसे जैसे आप अपने पास स्टॉक को पाइल अप करते चले जाते हो, बढ़ाते चले जाते हो, तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती है। और क्योंकि जैपनीज बहुत डिसिप्लिन्ड माने जाते हैं और क्वालिटी लवर्स माने जाते हैं, तो उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क और एक ऐसा मैनेजमेंट तैयार किया जिसमें उन्होंने सप्लायर से बात करी कि देखो कि आपका जो लीड टाइम होना चाहिए ना, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होना चाहिए, और हमें तुम्हारी क्वालिटी पे इतना भरोसा है कि हम इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, मीट होने चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि फिर जो फर्म्स हैं वो फर्म्स गोडाउन को परचेज़ नहीं करती, तो उससे क्या होता है, उनका रेंट बच जाता है, और वो जो रेंट का पैसा बचा है उसको वो क्या कर सकती हैं, कहीं और इन्वेस्ट कर सकती हैं और वहाँ से इंटरेस्ट अर्न कर सकती हैं। उसकी वजह से उनकी लाइटिंग की कॉस्ट, उसको रखने की कॉस्ट, बिजली की कॉस्ट, ये सारी चीज़ें क्या होनी हो जाती हैं, ये भी मिनिमाइज होनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं टोयोटा के अंदर आपको बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कई सारी मैनेजमेंट थिंकिंग है जिसमें से एक ये भी है। तो इसके अंदर में उसने बताया है कि इससे फ़ायदा क्या होता है, तो आंसर है कि एक तो इससे जो आपकी इन्वेंट्री के लेवल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात होगी कि जब मैं खरीदूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं खरीदूंगा ही सिर्फ कब, जब मुझे प्रोडक्शन करना है। अभी तक मैं उसको क्यों खरीद कर रख रहा था अपने पास, क्योंकि मुझे अपने सप्लायर पे क्या नहीं था, ट्रस्ट नहीं था कि वो मुझे टाइम पर दे पाएंगे। हमारे देश के अंदर में ये सिस्टम लगाना इज़ नॉट ईजी थिंग, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो बहुत प्रोफिशिएंट फर्म्स हैं, अगर उन्हीं का नेटवर्क है बस, तो मे बी कि ये पॉसिबल हो जाए, ठीक है ना, अदरवाइज बहुत मुश्किल होती है। दूसरी बात ये होती है कि लीड टाइम खाली इसलिए अराइज नहीं होता कि आपका जो सप्लायर है वो लेजी है, नहीं, कई बार क्या होता है आपका सप्लायर बहुत अच्छा होता है, उसने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी मीट किया हुआ है, बट लेकिन जिन रोड्स के थ्रू वो आ रहे हैं, वो जो रोड्स हैं उनमें प्रॉब्लम्स हैं, रास्ते ठीक से नहीं बने हुए हैं, ठीक है ना। तो यानी कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है ना, वो भी एक बड़ा रोल प्ले करता है जस्ट इन टाइम सिस्टम को एफिशिएंटली वर्क करने में, राइट। फिर उसने बोला है कि जो इसकी सेकंड फीचर होती है वो होती है डिमांड ड्रिवन प्रोडक्शन। डिमांड ड्रिवन प्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ, जैसी ही डिमांड आएगी हम तुरंत क्या करना शुरू कर देंगे, प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। और ऐसा सिर्फ आप तभी कर सकते हो जब आपको सामने वाले पे भरोसा है कि जैसा कहेंगे वैसा इनपुट हमारे पास आ जाएगा। फिर उसने बोला है कि कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, यस, जब आप जस्ट इन टाइम सिस्टम में काम करते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, आप इन्वॉल्व होते हो, आपको पता चलता है कि जब कस्टमर से हमने सर्वे करवाया, कस्टमर से हमने फीडबैक लिया, तो उसने पाया कि नहीं कुछ इश्यूज़ थे यहाँ पर। अगर आपका सप्लायर 5 वीक के टाइम को रिड्यूस करके उसे से 4 वीक पर लेकर आया, तो आप और चाहोगे कि 4 वीक भी क्या हो जाएं, रिड्यूस हो जाएं, ठीक है। और ये कॉन्टिन्यूस है, लगातार चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि कंपनी ने बना के रख दिया कि 2 वीक्स, तो मतलब 2 वीक्स अब हमें दिमाग लगाना बंद कर देना चाहिए, ठीक है, अब हम आगे कभी सोचेंगे नहीं कि 2 से इसको कितने पर लेकर आओ, 1 पे लेकर आओ या इससे भी हाफ टाइम पे लेकर आओ। रिलेशनशिप्स विद सप्लायर, इसके अंदर में जो आपके रिलेशनशिप हैं वो किससे बंधे होते हैं, आपका जिट ही काम कब करेगा, जब आप सप्लायर के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप को होल्ड करेंगे। दूसरी बात ये है कि सप्लायर्स भी फिर वही होने चाहिए जो आपके स्टैंडर्ड्स को क्या कर पाएँ, मीट कर पाएँ, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल, ऑफ कोर्स आप उन्हीं सप्लायर्स को पिक करेंगे जो आपके स्टैंडर्ड्स को मीट करेंगे, जिससे आपकी क्वालिटी क्या रहेगी, कंट्रोल्ड रहेगी। यानी कि मान लीजिए टाटा है, टाटा मोटर्स अगर मान लीजिए कार्स बना रही है, उसको स्पेयर पार्ट्स चाहिए, तो वो स्पेयर पार्ट्स कोई ऐसा नहीं कि किसी पटरी की दुकान से उठा के ले आएंगे, ठीक है, उनको अच्छे से पता होगा कि हमारे फिक्स सप्लायर्स हैं, दे मेंटेन द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, तो हमें बार बार इंस्पेक्शन की कॉस्ट वगैरह वगैरह इन पे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इट्स बेसिकली अ थ्योरेटिक पार्ट, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आप और कुछ में बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ना चाहते हैं जिट के बारे में, तो एक बुक है, इसका नाम है कॉलिंस ड्रूरी, ठीक है, आप नेट पे जाके इसको देख सकते हैं, आपको इजिली मिल जाएगी, तो कॉलिंस ड्रूरी, ठीक है, इसके बारे में देख सकते हैं।
और एक बुक और है वशिष्ठ करके आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, एंड वशिष्ठ वॉज नॉट द प्रोफेसर एंड ही वॉज द प्रोफेशनल, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी, ठीक है ना, पब्लिश बाय आई थिंक सुल्तान चंद और रश्चंद, आप देखिएगा, ठीक है, अच्छी खासी मोटी बुक है, उसके अंदर में बहुत अच्छी अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में आपको बताया गया है, जिसमें से जस्ट इन टाइम के बारे में भी लिखा हुआ होगा। अदरवाइज जिट के बारे में आप CA इंस्टीट्यूट का फाइनल ईयर का जो स्टडी मटेरियल है जो उनकी वेबसाइट पे ऑफिशियली अवेलेबल है, तो उसमें एक पूरा टॉपिक ही जस्ट इन टाइम के बारे में है, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, हालांकि इसमें क्वेश्चंस नहीं होंगे आपके, तो उसमें वो क्या करते हैं कि दे गिव यू सम सिचुएशन, वो ये कहते हैं कि कंपनी थी उसने पहले वो ऐसे ऐसे एनवायरमेंट में काम करती थी तो उसकी ये कॉस्ट आती थी, फिर वो बताते हैं कि अब कंपनी को कोई ऐसा सप्लायर मिल गया है जो उसकी इन कमियों को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है, और जस्ट इन टाइम एनवायरनमेंट में वो काम करना चाहते हैं, तो वो बताते हैं कि अब उनकी कॉस्ट ये आ रही है, तो यू हैव टू जस्ट अ कंपैरेटिव एनालिसिस कि पहले क्या था और अब क्या था, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में आप यही पाओगे कि दूसरे वाले केस में कॉस्ट क्या हो रही होगी, कम। रीज़न बहुत साफ, एक आपकी कैरिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, दूसरा आपकी इंस्पेक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने में जो आपके टेंशन और पैसा खर्च होता है वो सब की सब क्या हो जाएंगी, वो रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और अगली क्लास के अंदर में बस इसकी दो तीन टेक्निकल पार्ट्स हो रहे हैं और वो शुरू खत्म होते ही फिर हम अगले टॉपिक पे स्विच ओवर करेंगे।